हमारे इंडिया में ये पूछा जाता है कि वो करते क्या है, जॉब प्रोफाइल, ये नहीं पूछा जाता है कि वो इंसान कैसे हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना। तो हम लोग अपने शो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान होना, बाकी सारे चीजें वो क्या करते हैं और क्या वगैरह वो सब बाद में की चीजें हैं। तो ये होगा इस शो में एंड सबको अच्छा लगेगा। जानना चाहेंगे कि आपको इतने बड़े शो में, मतलब अच्छे शो में ऐसा पार्ट मिला है तो कैसा फील होता? बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे ही कैजुअल, मेरा डेब्यू नहीं हुआ, मेरा जो डेब्यू भी हुआ है वो एक बहुत बड़े शो में हो रहा है, इसकी बहुत खुशी है मुझे। यस ओके। तो अब कौन क्या कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं एंड लोगों को क्या नया देखने मिलने वाला है शो में, आपसे जानना चाहेंगे। जो ये कैरेक्टर है युग प्रताप राजपूत का, ये एक बिहारी लड़का है, ठीक है। तो जनरली फिल्मों में बिहारी कैरेक्टर्स बहुत लोगों ने प्ले किए हैं, मिथुन चक्रवर्ती से लेके अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सबने प्ले किए, लेकिन सबने यही पोर्ट्रे किया है कि जो बिहारी है वो कुर्ता पैजामा पहनता है, यहाँ गमछा रखता है, पान खाता है, इसके आगे नहीं जा पाए। बट दिस कैरेक्टर इज डिफरेंट। जो आज के बिहार के लड़के होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। आज के बिहार के लड़के जो मुंबई में, दिल्ली में रह रहे हैं, वो लोग एब्सोल्युटली अपना एक जैसे बाकी जगह के लड़के हैं वैसे हैं, तो वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो जानना चाहेंगे आपके साथ मोनालिसा जी है, जो पहले से आप काम कर चुके हैं उनके साथ, और श्रुति भी है, कैसी जी, बॉन्डिंग है आप लोगों की? मोना जी के साथ तो आपने बताया हम लोग पहले काम कर चुके हैं। एक्चुअली एज एन एक्टर हम लोग साथ में स्क्रीन नहीं शेयर किए हैं। मेरी फिल्म थी जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें मोना जी ने आइटम नंबर किया है एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे एक दोस्त हैं उनकी, विक्रांत सिंह जी की वाइफ हैं। तो हम लोग ने बहुत पार्टी साथ में किया है, बहुत गपशप की है। तो यहाँ तो हम लोग जब साथ में काम कर रहे थे तो इट वॉज लाइक अनदर डे फॉर अस। बट श्रुति की जहाँ बात है, श्रुति इज वेरी टैलेंटेड। मैं पहले नहीं जानता था श्रुति के बारे में क्योंकि मैं उतना टेलीविजन नहीं देखता हूँ, बट आफ्टर नोइंग हर ये भी मुझे लगा कि शी इज वेरी हम्बल। इतना काम करने के बावजूद वो सेट पे एकदम हम्बल है, बहुत अच्छे से मिलती हैं और अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए कि मतलब लड़कियां भी नजरिया चेंज करने की कोशिश कर रही है, ऐसा मैन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस चीज पे, इस टॉपिक पे? हमारा जो टॉपिक है कि एक क्या एक नचनिया शादी कर सकती है या क्या आप उसको बहू बनाएंगे, ये हमारे इंडिया में सिर्फ वुमन को क्यों जज किया जाता है? मतलब ये तो नहीं लोग सोचते हैं कि आप किसको दामाद बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और आई थिंक रिश्ता जोड़ने के वक्त हमारे इंडिया में ये पूछा जाता है कि वो करते क्या है, जॉब प्रोफाइल, ये नहीं पूछा जाता है कि वो इंसान कैसे हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना। तो हम लोग अपने शो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान होना, बाकी सारे चीजें वो क्या करते हैं और क्या वगैरह वो सब बाद में की चीजें हैं। तो ये होगा इस शो में एंड सबको अच्छा लगेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे मतलब आप पहले दूसरे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में थे, तो वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको हुआ यहाँ आके कुछ किरदार में? अरे मेरा जन्म बिहार छपरा में हुआ है और मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोलता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझसे बुलवा के देख सकते हैं। हाँ तो कुछ बोलिए, हम देखना चाहेंगे। आपको भोजपुरी आती है या मुझे कोई लाइन बताइए कि मैं क्या बोलूं भोजपुरी में? नहीं मेरे को नहीं आती एक्चुअली, और क्या बोल सकते अच्छा हैं मतलब। मैं भोजपुरी में, अच्छा आपके लिए मैं भोजपुरी में दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शो को देखा जाए। नमस्कार भैया लोग, माई लोग, बहनी लोग, रुआ लोग से दरखास्त बा कि हमनी के शो आ रहल बा नमक इसका कलर्स पर, तो रुआ लोग अपना पूरा परिवार के साथे इस शो के देखी आ हमरा के अपन आशीर्वाद दी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच.